एबीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम इस खास मुलाकात में बात करेंगे ओबेसिटी की, मोटापे की। हमारे साथ है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक से डॉक्टर अतुल तेलरांधे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सर हमें बताइए कि मोटापा ये अभी जो है आज का वर्तमान का सबसे बड़ा जो है मोटापा, हम देखते हैं कि हर कोई आजकल एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, तो मोटापा जिसे ओबेसिटी स्थौल्य कहा जाता है ये क्या है? देखिए, मोटापा यानी केवल ओबेस या फिर फैट डिपोजिशन होना, ऐसा नहीं है। उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स कैसा एक टेक्निकल टर्म होगी या फिर मेडिकल टर्म में आता है। सिंपल या कॉमन मैन के लिए अगर आपको मोटापे में आपको डेफिनेशन ढूंढना है तो सिंपल आपका वेट देख लीजिए, हाइट के प्रोपोर्शन में वेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट सेंटीमीटर्स में हम गिनते हैं, फॉर एग्जांपल कोई है 165 सेंटीमीटर उसका हाइट, तो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 जितना आएगा, जैसे 165 में माइनस कर दीजिए 100 तो कितना होगा 65। तो 65 उसका मैक्सिमम वेट होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का विज हाइंग 165 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसका वेट 65 सेंटीमीटर एट द मैक्स होना चाहिए, उसके ऊपर अगर उसका वेट जाता है तो हम कहेंगे कि आदमी ओबेस है। अब इस हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स में ओबेसिटी को क्लासिफाई किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स जब भी 30 के ऊपर जाएगा देन ओबेसिटी स्टार्ट्स। 30 तक वो थोड़ा फैटीनेस होता है लेकिन 30 के ऊपर आप क्लास उसको आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ओबेसिटी में क्लासिफाई कर सकते। सर क्या बताओगे इसके क्या प्रकार है, कितने प्रकार का मतलब ओबेसिटी होता है? जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि उसके क्लास किए गए, क्लास 1 जहाँ बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 से 35 के बीच में रहता है उसे क्लास 1 ओबेसिटी कहते हैं। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स 35 टू जब 40 आएगा देन इट इज कॉल्ड एज क्लास 2 ओबेसिटी, और जब बॉडी मास इंडेक्स 40 के अबव जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज क्लास 3 ओबेसिटी। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। उसके अलावा उसके 6 और टाइप बताए किन किन पार्ट में बॉडी के वो ओबेज होता है, कहाँ का फैट डिपोर्ट्स ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन वो 6 सब टाइप्स है, उसमें मेजर 2 टाइप है कि सेंट्रल ओबेसिटी जहाँ पेट के ऊपर फैट हो, और कुछ लोगों का पेट थोड़ा कम रहता है लेकिन लोअर जो पार्ट है ग्रोइन रीजन और बटक्स वगैरह वहाँ पे कुछ लोगों के फैट डिपोर्ट्स ज़्यादा रहते हैं। तो ये 2 टाइप की क्लासिफिकेशन ओबेसिटी में मेनली की जाती है और दोनों मिला के भी आपको मिल सकता है। तो 6 टाइप्स की ऐसे क्लासिफिकेशन उसको की जाती है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लुक और जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 इस तरीके से उसको क्लासिफाई। अभी तो हमने देखा कि इसके प्रकार देखे हैं, इसका निदान कैसे होता है? डायग्नोसिस हम जैसे हमने अभी भी देखा कि ओबेसिटी का निदान हम वेट से कर लेते हैं। पेशेंट आते ही उसका वेट देख लेंगे, उसके बाद उसकी हाइट को देखेंगे। अगर वो उस पर्टिकुलर जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया 165 सेंटीमीटर का अगर हाइट है तो उसमें 100 माइनस करने के बाद 65 मैक्स उसका केजीज में वेट होना चाहिए, उसके अबव हो जाता है तो हम इसको ओबेस बोलेंगे। तो और बाद में जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हो तो आपको दिखेगा। इसका जो इलाज होता है कैसे होता है, मतलब किस तरह से इलाज किया जाता है ओबेसिटी का? यस, तो सबसे पहले हम उसके कारण जान लेंगे तो अपने को ट्रीटमेंट करने में आसान हो जाएगा। जो उसका कॉज है उससे अपने को उसका ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, क्योंकि जो कॉज है ट्रीट द कॉज मेडिकल साइंस में जनरली हम पहले हम कारण को निकाल देते हैं यानी हटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आधा ट्रीटमेंट हो जाता है। कॉजेटिव फैक्टर्स में देखिए एक्स्ट्रा फैट इनटेक, बार बार कुछ खाते रहना, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसे डिसऑर्डर्स होना, फैट इनटेक ज़्यादा होना, कुछ लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है, खवैये होते हैं तो वो लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ये उसके बावजूद उनकी अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे काम है, उनका काम ही ऐसा है कि पूरा टाइम उनको बैठना ही पड़ता है तो उनको घूमने फिरने या फिर कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए क्या होगा कि खाया हुआ सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है, यूटिलाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता, तो दैट कॉजेस ओबेसिटी, वो एक कारण हो गया उसका। ओबेसिटी के बाकी कारणों में देखिए जब भी आप कुछ खाते हैं जिसमें कैलोरीज हो तो आपकी बॉडी का इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन सिक्रीट हो गया कि ऑटोमेटिकली फैट्स डिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जितने कम बार खाएंगे उतने कम बार इंसुलिन सिक्रीट होगा और उतना कम कैलोरीज या फैट डिपोर्ट्स आपकी बॉडी में रहेंगे।
ये बात क्लियर। इसलिए अब खाना कितना खाना चाहिए, आदमी को दो टाइम खाना चाहिए, दो आपके खाने, दो मील्स आपके होने चाहिए। अगर आप इसके ऊपर मील्स बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन विल बी सिक्रेटेड, और जो आपने खाया उसको, इंसुलिन का काम ही है ना, जो भी सर्कुलेशन में न्यूट्रिशन होगा, या ग्लूकोज हो, प्रोटीन्स हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, या फिर फैट्स हो, उनको डिपॉजिट करना सेल्स के अंदर, ये इंसुलिन का काम है। जितनी बार वो सिक्रेट होगा वो यही काम करेगा। अब जितनी बार खाओगे उतनी बार सिक्रेट होगा, उतनी बार वो डिपॉजिशन होगा। तो आपको मैक्सिमम टू मील्स लेने चाहिए, और वो भी 55 मिनट्स के अंदर खाना हो जाना चाहिए उस टाइम पर। 55 मिनट्स के बाद अगर आप खाना एक्सटेंड करते हो ना, तो वापस इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा और वापस डिपोजिशन बढ़ जैसे आपने बताया कि दो टाइम ही खाना चाहिए, उसके बाद जो बीच का टाइमिंग रहता है उस टाइम अगर हमें भूख लगती है तो क्या करना चाहिए? तो आपको नींबू पानी लेना चाहिए, या आपको छाछ लेना चाहिए, ऐसी लाइट लाइट चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि इंसुलिन सिक्रेट ना हो, ठीक है। आपने अगर शुगर भी खा लिया, कोई भी कैलोरी डाइट भी खा ली, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा और वो डिपोजिशन में जाएगा। दो खाने के बीच में ज़्यादा टाइम भी मत रखें, दो खाने के बीच में मैक्सिमम 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो सुबह हमने जैसे 9-10 बजे खाना खा लिया, तो शाम को 7-8 बजे खा लीजिए, तो आपका वो साइकिल, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो सही सेट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा फैट डिपोट्स बॉडी में नहीं बनेंगे, ये आपको क्लासिफाई करके चलना पड़ेगा। ये तो बात हुई कि मतलब कारण क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसी होगी। हाँ, अब इन कारणों से डिपोजिशंस होते हैं। इसके अलावा अपना जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी है, अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो वो बर्न नहीं कर पा रहे, तो डिपॉजिट ही होगी। मैंने आपको ये भी बताया कि दोनों खाने के बीच में अंतर इतना होना चाहिए। ज़्यादा अंतर हुआ तो क्या होता है कि अगर हम सुबह का खाना 9-10 बजे खा लेंगे और रात को एकदम 10 बजे खाएंगे, तो 12 घंटे का अंतर, 12 घंटे का आपका ब्रेन क्या करेगा कि उसको स्टिमुलाई देगा बॉडी कि 12 आवर्स, अगर ये रूटीन की, एक दिन की बात नहीं, अगर रूटीन में आप 12 आवर्स का गैप रखते हो तो बॉडी क्या बोलेगी, 12 आवर्स अपने को खाना नहीं मिलेगा, तो बॉडी क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। Okay. तो डिपोजिशन होगा क्योंकि 12 आवर्स इतना लंबा टाइम अगर जाएगा डिपॉजिट करेगी, क्योंकि 12 आवर्स उसको वो चलाना है रिपोर्ट्स, तो ये कारण होता है डिपोजिशंस बढ़ने के। डिपोजिशंस के बाद ओबेसिटी आ जाएगी। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो जैसे इस ट्रीट द कॉज, इसको हटा दीजिए, दो टाइम का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जितनी कैलोरीज आप एक्स्ट्रा भी खाते हो उसको बर्न कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहते हो उसको, ओबेसिटी आपको नहीं होगी। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके ऊपर क्या है, तो हम वही करेंगे ना, फैट को यूटिलाइज करवाना, उसको बर्न करना, कैलोरीज बर्न करवाना, ये उसके ऊपर अपना ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए मेडिसिन आते हैं, जैसे हमारे पास फैट क्यूरा रस आता है, फैट कंट्रोलर रस आता है, स्लिम श्योर रस आता है, ये सिरप्स है, स्लिम श्योर नाम की कैप्सूल है, लो फैट नाम की कैप्सूल है, मेदारी गुगू है, तो ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो डिपॉजिटेड फैट को बर्न करवाएगी। लेकिन नॉट ओनली विद मेडिसिन खा के ही आप ओबेसिटी लूज कर पाएंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल हैव टू ऐड ऑन, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको मील प्लानिंग भी करना पड़ेगा, डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, फैटी डाइट कम खाना पड़ेगा, फैट अवॉइड ही करें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले तो बेटर होगा। सो ये ट्रीटमेंट का प्लान आता है उसमें। बिल्कुल, ओबेसिटी का क्या स्ट्रेस जो है इससे अपना मतलब कुछ संबंध है? अपनी लाइफस्टाइल जो है, आज की लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि रात रात जागना होता है, सुबह लेट उठना होता है, तो ओबेसिटी उससे बढ़ सकती है? डेफिनेटली ओबेसिटी का स्ट्रेस से सीधा संबंध है। स्ट्रेस से हॉर्मोन्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इवन थायरॉयड हाइपोथायरॉयडिज्म में ओबेसिटी अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो थायरॉयड जो हॉर्मोन्स है, स्ट्रेस के कारण भी ये हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपका रूटीन भी ठीक नहीं है, आप कभी भी खाना खाते हो, कभी भी सो जाते हो, कभी भी उठ जाते हो, और आपका लाइफस्टाइल अगर इस टाइप का है और उसमें स्ट्रेस भी ऐड हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, फैट डिपोजिशन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ेगा, और डायबिटीज़ भी हो सकता है। ये इंटरनल चीज़ें अगर और एडिशनली जो बैकअप्स है आपकी बॉडी के, जो रेगुलर चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म को रखने के लिए काम करते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ओबेसिटी होने के चांसेस तो और बढ़ जाते हैं। और ओबेसिटी होना यानी ओबेस पर्सन, यानी वो रोगों का घर हो गया, फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, रीनल किडनी डिसीज, लीवर, फैटी लीवर की डिसीजेस, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, और क्या क्या न जाने, इतने सारे डिसऑर्डर्स के अलावा क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे बताना मुश्किल है। सो ओबेसिटी इज इट्सेल्फ अ इन्विटेशन टू द डिजीजेस। ओबेसिटी का हम डेफिनेशन देख चुके, लोग अगर स्लिम फिट है और ये ना समझ ले कि वो ओबेस नहीं है, ओबेसिटी का फॉर्मूला हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। Okay. उसके ऊपर आ गया, आप यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ओबेस। फैट अगर दिखता भी नहीं है लेकिन वेट ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ओबेसिटी है। ओबेस है,
तो अब क्लासिफिकेशन के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स जैसे 30 क्रॉस कर जाता है ओबेसिटी शुरू हो जाता है। वो उसके थोड़ा पास भी पहुंच गया तो उसको अलर्ट हो जाना अलार्मिंग चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए उसके बिल्कुल बाद, क्योंकि आगे चल के उसको ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। बिल्कुल। क्या खान पान के नियमों से ओबेसिटी को रोका जा सकता है? मतलब डाइट अगर फॉलो किया जाए प्रॉपरली तो क्या डाइट होना चाहिए, क्या बताओगे? जी, जो आपको फिक्स डाइट है, जितनी कैलोरीज आपको लगती है वो 2 टाइम में आपको खा लेना चाहिए, बराबर है, इतने समय में, और 8 घंटे के ऊपर आपका दोनों मील्स का ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अब डाइट में हमने देखा कि प्रोटीन का इंक्लूजन ज़्यादा होना चाहिए, फैट्स यानी ऑयली जो चीज़ है वो उसको आपको अवॉइड कर लेनी चाहिए। हाँ, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, उसका एक अमाउंट होना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा फैटी चीज़ें होगा उतनी ज़्यादा ओबेसिटी होने के चांसेस होगा। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन इज बर्न यूटिलाइज्ड। अब ये भी चीज़ है कि ये तो आपको यानी ये आप बैलेंस डाइट तो रख ही सकते हो, लेकिन बॉडी का क्या है, वो बॉडी जो है ना फैट्स किसी भी हिसाब से बना देगी। अच्छा, मतलब प्रोटीन्स भी लेते हैं तो भी लीवर के उसमें पास से वो कैपेबिलिटी है कि वो फैट को भी बर्न करके ग्लूकोज बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट को तो बनाता ही बनाता है, प्रोटीन्स को भी बर्न करके ग्लूकोज बना लेगा, तो इंटरचेंज करने की ताकत आपकी बॉडी के पास है। और जब डिपोजिशन होगा यानी एक आपने जो खा लिया उसके जितना बॉडी में यूटिलाइज हो गया हो गया, जो बच्चा है उसको फैट के रूप में ही डिपॉजिट करता है, तो बॉडी के पास वो स्पेशल पावर है, तो एक्स्ट्रा खाया नहीं समझ लेना आपके पास फैट डिपोट फैट, रहेगा। ये जो फैट डिपॉजिट होता है और ओबेसिटी होती है, इसे क्या एक्सरसाइज या योगा से हमें मतलब कम किया जा सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली एक्सरसाइज और योगा तो हमारी कैलोरीज बर्न करने का जरिया है, आपके जो रूटीन वर्क है उसमें भी वो आपको फ्लेक्सिबल बनाएगी, तो दोनों चीज़ें तो है, एक्सरसाइज, योगा, डाइट प्लान, इसके अलावा लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना, स्ट्रेस को हटाना, रात अच्छे से नींद लेना, ओवर ज़्यादा नहीं सोना, खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं सोना, ये चीज़ें ये नहीं सामान्य नियम जो है दिनचर्या ऋतुचर्या के वो आपको फॉलो करने चाहिए तो ओबेसिटी नहीं आएगी। बिल्कुल। हम अभी देखते हैं कि स्मोकिंग और ये सब चीज़ें होती है ओबेसिटी में, मतलब ये जो है रोगों को निमंत्रण देता है, तो क्या बताओगे इसे कैसे रोका जा सकता है ओबेसिटी को? हाँ, स्मोकिंग जैसी चीज़ों को तो आपको बिल्कुल उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग तो हर तरीके से हार्मफुल होता ही है। सो डेफिनेटली आपको अगर ओबेसिटी को अवॉइड करना, ओबेसिटी एक बार अगर आप ओबेज है ना तो एडिशनल चीज़ें, ड्रिंक्स, एल्कोहल्स ऑल्सो कॉजेस ओबेसिटी का एक कॉज बोला गया है, क्योंकि एल्कोहल्स लेने के बाद जो भी चीज़ खाई जाती है जनरली वो डिपो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है, और लोग जनरली अल्कोहल लेके खाना खा के सो जाते हैं, तो हाँ, डिपोजिशन तो बढ़ने ही वाला है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि दिवा सो, यानी दिन के समय कभी मत सोइए, खाना खा के तुरंत कभी मत सोइए, अगर आप दिन में खाना खा के सोते हो तो डेफिनेट ओबेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, देख लेना आप, अगर किसी को वेट नहीं बढ़ रहा है खाना खा के सो जाए तो अपने आप से उसके फैट डिपोट्स बढ़ जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को ओबेसिटी के ऊपर? मतलब किस तरह से ओबेसिटी को रोकना चाहिए, किस तरह से उन्होंने अपनी खुद की केयर करनी चाहिए, क्या बताओगे? जी, अब दुनिया में जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज़ है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे ओबेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सदर्न लोग स्टेबल है, उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ये चीज़ें आ चुकी, अब आप 15-20 साल पुरानी बातें देखोगे तो लोगों को खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, बिल्कुल खाने में ऑयल ज़्यादा नहीं हुआ करता था, और अगर आप गरीब लोग देखो, किसान लोग देखो, तो भरपूर काम करते थे और खाने के लिए बहुत कम मिलता था उनका, उनका फिटनेस अच्छा रहता था। अभी देखो ऑयल ऐसा है कि हम तली चीज़ें इतनी ज़्यादा खाते हैं, ऑयल अपने खाने में इतना ज़्यादा इंक्लूडेड है कि ऑटोमेटिकली दिन भर के खाने में कितना सारा, त्यौहार के दिनों में कितना सारा ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, बिल्कुल तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आपके लाइफ स्टाइल में, आपके खान पान में आ चुकी है, ओबेसिटी के कॉजेस आ चुके हैं, अभी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, अभी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर US और वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा हम लोग इंडियन लोग भी धीरे धीरे ओबेसिटी यानी एवरी सेकेंड पर्सन विल बी ओबेस, इतना ज़्यादा प्रमाण बढ़ जाएगा, और ओबेसिटी जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का वो एक इनविटेशन है, और इन्विटेशन उसके बाद फिर हार्ट डिजीज एंड ऑल, वो सारी चीज़ों का इन्विटेशन आप दे मतलब दोगे अपने, ओबेसिटी को हम सभी रोगों को निमंत्रण देने नहीं का कारण बोल सकते बोल हैं। सकते हैं, तो आपको सबसे बेसिकली ओबेसिटी हटानी पड़ेगी। सो टेक होम मैसेज एक ही है कि खान पान में मॉडिफिकेशन लाइए, आपके बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन कीजिए, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, एक्सेसिव कैलोरी डिपॉजिट हो ये खाना न खाए, एक्सरसाइज करें और फिट रहें, खुश रहें।
तो दर्शकों, हमने ओबेसिटी के बारे में डॉक्टर अतुल तेलरांदे से बहुत अच्छी जानकारी पाई है, और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि अपना डाइट जो है वो अच्छा रखना चाहिए, उसी तरह से डाइट को फॉलो करिए और ओबेसिटी से दूर रहिए। आज के कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।